गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैशटैग वेडिंग सीरीज। सो बेसिकली मैं करने वाली हूँ वेडिंग सीरीज, आज उसका पार्ट वन है। मैं आप लोगों के साथ काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जो वेडिंग मस्ट हैव प्रोडक्ट्स है अंडर 500 रुपीज। अगर आप ब्राइड टू बी हो, अगर आपकी शादी होने वाली है या हो भी चुकी है, तो भी आप इनमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों को लेने चाहिए अगर आपकी भी वेडिंग होने वाली है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होगा उसे हिट कर देंगे तो आप लोग नोटिफाइड रहेंगे मेरी वीडियो से। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं आज पांच ही प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर 500 रुपीज। सो बेसिकली अगर आप ब्राइड हो, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो आप लोगों को पता है कि शादी के टाइम पे काफी सारे फंक्शंस होते हैं, राइट? तो बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, हमें पहले भी अटेंड करने पड़ते हैं, ब्राइड को ना बाद में भी बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना आप कुछ इस टाइप का नेकलेस ले सकते हो, लाइक यू कैन सी दिस इज हाउ द नेकलेस लुक्स लाइक। मैंने अमेजोन से लिया था, अभी ना ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे नेकलेस, मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप का लगता है ये नेकलेस, दिस इज हाउ इट लुक्स, मल्टी कलर नेकलेस है। इसमें ना गोल्डन कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी है, पिंक भी है, मतलब ये वाला जो नेकलेस है ना काफी सारे अच्छे अच्छे आपके पेस्टल आउटफिट्स है ना, पिंक आउटफिट्स के, उनके साथ बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि इसमें तीनों टाइप के कलर्स आ रहे हैं। इस नेकलेस के साथ ना आपको इतने प्यारे से इयररिंग्स भी मिल जाएंगे। इनकी जो लेंथ है ना काफी परफेक्ट लेंथ है, ना ये ज्यादा बड़ी है ना ये ज्यादा छोटी है। एंड लास्ट चीज, आपको इस टाइप की रिंग भी मिल जाएगी इस नेकलेस के साथ। ये ना काफी अफोर्डेबल था, आई थिंक 350 और 400 तक में आपको ये आराम से मिल जाएगा। सो आई थिंक अगर आप ब्राइड हो या ऑलरेडी ब्राइड हो चुके हो, ब्राइड टू बी हो, मतलब किसी भी चीज में आप ये वाला नेकलेस डाल सकते हो। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगवाया था, बिकॉज वो डालने वाली है काफी फंक्शंस पे इस नेकलेस को। एंड ये वाला नेकलेस डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो अगर आप ब्राइड, आपकी शादी होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड प्रोडक्ट, एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये ब्राइड्स के लिए ही बेनिफिशियल है अगर आप ब्राइड टू बी हो। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि जब आप ब्राइड टू बी हो तो आपकी जो भी हमारी चूड़ा सेरेमनी वगैरह होती है, तो चूड़ा डलता है उसके ऊपर ना, पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग मतलब फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, एक ना व्हाइट कलर का जो बड़ा सा हैंकर चीफ होता है, जैसे मेंस के हैंकर चीफ होते हैं, वो टाइप के बांध देते थे ताकि चूड़ा ब्राइड देख ना पाए। बट क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं तो आजकल इस टाइप का प्रोडक्ट काफी ज्यादा इन है मार्केट में। ये है ब्राइड चूड़ा कवर, कुछ इस टाइप का लगता है, रेड कलर का ये मैंने लिया। ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया था। सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक्स है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी। सो कुछ इस टाइप का लगता है, ये रेड कलर का था, बड़ा ही प्यारा था, ऐसा ना सैटन काइंड ऑफ इसका मटेरियल दिया है। यहाँ पे इतनी प्यारी लेस ही लगी गोल्डन कलर की, यहाँ पे ना इस टाइप की ये टैसल्स काइंड ऑफ लगी है, मिरर वाले जो टैसल्स होते हैं, एक साइड से ये बंद है एक साइड से खुला है। एंड यहाँ पे ना आपको नॉट भी दी जाएगी, बेसिकली आपको अपने हैंड के अंदर इसको डालना है। आपको करना कि आपको इसको अपने हैंड के अंदर डालना है, जब आपका चूड़ा डल जाएगा उसके बाद यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिएगा तो आपका जो चूड़ा है वो इससे ढक जाएगा। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आई नो इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको स्पेशली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्वियसली आप अपना हैंकी वगैरह बांध सकते हो। बट अगर आप लोगों को थोड़ी सी एस्थेटिक फोटोज चाहिए अपनी, आप नहीं चाहते कि आपके फोटोज में वो व्हाइट सा गंदा सा हैंकी दिखे, तो आप इस टाइप की चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफी अफोर्डेबल था, आई थिंक 250 to 300 तक का आपको आराम से मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू आर थर्ड प्रोडक्ट, एंड थर्ड ये जो प्रोडक्ट है ना ये ब्राइड टू बी अगर आप हो तो भी सही रहेगा, आप ऑलरेडी ब्राइड हो तो भी सही रहेगा, अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में से कुछ भी नहीं हो तो भी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। सो बेसिकली जब आपकी वेडिंग होती है तो आपको ना इस टाइप के क्लचेस और पर्सेस वगैरह बहुत सारे चाहिए होते हैं जो आपके हर आउटफिट्स के साथ चल जाए, लाइक सूट्स है, कुर्ती, साड़ी, सबके साथ चल जाए। सो ये वाला इस टाइप के क्लच में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया, मेरी सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट अमेजोन से है। अगर आप लोगों ने मेरे अमेजोन हॉल्स नहीं देखे तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप जाके सारे शॉर्ट्स एंड सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो अमेजोन की। सो कुछ इस टाइप का ये पर्स है, लाइक क्लच है, ये व्हाइट कलर का क्लच है, इसके ऊपर गोल्डन कलर का ना थ्रेड वर्क हुआ हुआ, हल्की हल्की पर्ल की भी डिटेलिंग है, यू कैन सी पीछे से ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है, ये प्रॉपर व्हाइट वाला कलर नहीं है, हल्का सा इसमें क्रीमिश कलर है, ऑफ व्हाइट कलर है ये। एंड यहाँ से ये जब खोलोगे आप, कुछ इस टाइप के अंदर आपको क्वांटिटी इतना स्पेस मिल जाएगा, इसमें आप अपना फोन, कैश, लिपस्टिक, तीन चार चीजें छोटी छोटी आराम से रख सकते हो। एंड अंदर आपको इस टाइप की चेन मिल जाएगी, तो आप इस पर्स को ना ऐसे कैरी कर सकते हो। बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी चेन है, काफी ज्यादा स्टर्डी है ये, मतलब इतना ज्यादा डेलिकेट नहीं है ये पर्स कि मैं कहूँ कि
बहुत ज्यादा डेलिकेट है, ये टूट जाएगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से कैरी करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो ये थ्रेड है ना थोड़ा सा डेलिकेट है। तो आप बहुत ज्यादा हैवी सामान इसमें मत डालिएगा, मेक श्योर अगर आप हैवी सामान डाल रहे हैं ना तो आप इस चेन को मत कैरी करना, आप ऐसे ही इसको कैरी कर लेना। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें ना बहुत सारे कलर्स थे क्योंकि मुझे ऐसा कलर चाहिए था जो मेरे सारे आउटफिट्स के साथ चल जाए, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्ट किया। अदरवाइज पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सब कुछ बहुत सारे टाइप के आपको कलर्स मिल जाएंगे इस सेम क्लच में। ओके जी, मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ टुडेज वीडियो। एंड ये वाला भी जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप ब्राइड हो, नहीं भी हो, मतलब कुछ भी हो, तो आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये है कुछ इस टाइप की हील्स। अभी आप लोगों को पता है कि अगर आप ब्राइड ऑलरेडी, ब्राइड टू बी हो या ऑलरेडी ब्राइड हो, तो भी आपको इस टाइप की ना थोड़ी सी फैंसी टाइप की हील्स चाहिए होती है जो सारे आउटफिट्स के साथ हमारी चल जाए। तो मैंने ना ये ब्लैक और सिल्वर कलर में ये वाली हील्स ली है, काफी ज्यादा फैंसी है। लाइक यू कैन सी बड़ी प्यारी सी ना यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है, लाइक हल्के हल्के स्टोन्स लगे हुए हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी ना हील काफी ज्यादा लंबी है, प्लस ट्रांसपेरेंट है, एंड काफी ज्यादा एलिगेंट सी है ये हील। मतलब ना ज्यादा चटाक टाइप की है, ना ज्यादा सिंपल है, काफी परफेक्ट लगी मुझे ये। बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगी। ये वाली जो मैंने हील ली थी ये मैंने मीशो से ली थी एंड सिर्फ 389 रुपीज में मिली थी मैंने ये। अगर आप लोगों ने मेरा मीशो फुटवेयर हॉल नहीं देखा तो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, उसमें बहुत सारे और भी फुटवेयर लिए थे, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें ना एक दो और कलर्स भी थे, लाइक गोल्डन व्हाइट कलर होता है उस टाइप का भी था जिसमें पूरा गोल्डन व्हाइट था, ब्लैक नहीं था, तो आप वो कलर भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका ये व्हाइट और ब्लैक कलर आउटफिट्स के साथ नहीं जाएगा तो आप वो वाला भी ले सकते हो। अदरवाइज एक पूरा व्हाइट भी था, वो भी आप ले सकते हो। मुझे वो वाले कलर्स नहीं लेने थे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हील एंड ये काफी कंफर्टेबल है। मैंने इसको एक दो बार डाला भी है, लाइक यू कैन सी पीछे से ये गंदी हो चुकी है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इस टाइप की सस्ती एंड टिकाऊ हील में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो मीशो से। ओके सो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है ना वो शो स्टॉपर है इस हॉल का बेसिकली। सो अगर आपकी जो वेडिंग है वो विंटर्स में होने वाली है, जैसे कि अभी विंटर्स आ रही है, बिल्कुल विंटर्स में होने वाली है, एंड या ऑलरेडी यू नो हो चुकी है आपकी वेडिंग, तो भी आप इस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बेसिकली है वेलवेट स्टॉल्स या वेलवेट दुपट्टा आप इनको कह सकते हो, कुछ इस टाइप का लगता है ये ना थोड़ा सा मेहरूनिश बरगंडी कलर में है ये। लाइक यू कैन सी बड़ा प्यारा सा वेलवेट का कपड़ा है ये, वेलवेट वाली स्टॉल है बेसिकली। यहाँ पे ना हल्के हल्के ऐसे लटकन टाइप दिए हुए, मिरर वाले जो ट्रांसपेरेंट लटकन होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल स्टॉल, यू कैन सी इन द वीडियो, ये डाली हुई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अगर आपका बहुत ही कोई भी बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है ना उसके साथ आप ये स्टॉल डालोगे तो बहुत प्यारी लगेगी। एंड इन स्टॉल्स के साथ ना आप सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो इसे, एंड अपने कुर्ते के साथ भी, साड़ीज के साथ भी। काफी ज्यादा वर्सटाइल कलर लिया मैंने जो मैं अपने सारे आउटफिट्स के साथ कैरी कर पाऊंगी, क्योंकि विंटर्स में आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हम सूट्स वगैरह, ब्राइट सूट्स वगैरह डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो साथ में स्वेटर्स वगैरह डालेंगे ना वो अच्छा नहीं लगता। तो इस टाइप के स्टॉल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो देखने में भी प्यारी लगती है, प्लस ये वार्म भी है क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है ना तो काफी ज्यादा वार्म होती है। ये वाली जो पर्टिकुलरली ये वाली जो स्टॉल है इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया, ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली। बट इसके सिमिलर, इससे भी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी आई वुड नॉट से कि बेटर होगी, बट डिजाइनिंग बहुत सुंदर है जो मैंने अमेजोन पे देखी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसमें बहुत सारे कलर्स है, ग्रीन है, ब्लैक है, व्हाइट है, यू नो टाइप का कलर भी है, पिंक भी है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, उसका लिंक मैं नीचे डेफिनेटली डाल दूंगी। सो आप इस टाइप की स्टॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप अपने कोई भी सिंपल एंड बोरिंग से आउटफिट को यू नो ग्लैम अप लुक देना चाहते हो तो। ओके गाइज, दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को आज की जो छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप लोगों को ये जो सीरीज है कैसी लग रही है। लाइक आज फर्स्ट एपिसोड ही है, अगर आप लोग चाहते हो इसका पार्ट टू जिसमें मैं ऐसे ही खजाने आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊं, मैं उसका पार्ट टू डेफिनेटली बनाऊंगी। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपनी वेडिंग मेकअप किट शेयर की है, कि जिसमें मैंने अपनी वेडिंग मेकअप किट बनाई है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए अगर आपकी भी वेडिंग है, अगर आप ब्राइड टू बी हो, बिगिनर्स हो, वो वाली वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दूंगी। एंड ऑल्सो गाइज, इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इफ इन केस यू वांट टू बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट देन डेफिनेटली यू कैन। एंड या गाइज, फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।